दो लोग करके बैठेंगे ना। हाँ गाड़ी चालू हो गई तेज होगा ना, फ्रंट से बन रहा है पर मैं दिख ही नहीं रही हूँ इसमें, मंदिर दिख रहा है बस ऑरेंज ऑरेंज। नहीं थोड़ी लाइट चालू है। ब्लॉक बंद है लेकिन अभी वहां जा रहे उज्जैन तो बना लेते हैं। बाय बाय बाय। हाथ दे। ये दूसरा किसका मोबाइल लगा चार्ज में? मेरा लगा है। मैं तेरा नहीं हुआ था। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल निशा भोपाल ब्लॉगर में। और हम लोग जा रहे हैं उज्जैन, जैसा कि टाइटल पढ़ के तो आप लोग समझ ही गए होंगे। आज का ब्लॉग उज्जैन के ऊपर है। हम लोग उज्जैन घूमने के लिए गए थे। थोड़ा सा लेट जो है ये पोस्ट कर रही हूँ उसके लिए सॉरी। और मुझे एग्जैक्ट टाइम डेट तो नहीं पता कि हम लोग कब गए थे, किस टाइम निकले थे, लेकिन समथिंग सुबह 4:30-5 बजे हम लोग घर से निकले थे। और निकलने के बाद से हम लोग थोड़े थोड़े से वीडियो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया था घर से निकल रहे थे, तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि वीडियो अच्छा लगेगा। तो अब हम लोग भोज पे पहुँच चुके हैं। भोज सेतु से देखो होते हुए जा रहे। बड़ा ही प्यारा मौसम था मॉर्निंग का और बिल्कुल खाली रोड थे, एक मतलब एक दो गाड़ियां चल रही थी बस, बाकी खाली था। बहुत ही प्यारा मौसम था, अच्छा लग रहा था, तो सोचा चलो यहाँ का भी वीडियो बना लेते हैं। और हम लोग VIP से होते हैं अब हम लोग जा रहे हैं। और पूरे रास्ते का जो है मैंने वीडियो बनाया था, थोड़ा थोड़ा वीडियो इसमें मैंने ऐड किया है। ये वीडियो पूरी जो है समथिंग 1.5 घंटे की थी, जिसको मैंने क्रॉप करके 30 मिनट की बहुत मुश्किल से मैंने वीडियो बनाई है। तो अब हम लोग जो है MP देवास भोपाल कॉरिडोर पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब हम लोग टोल टैक्स देख के और फिर आगे जाएंगे। और अब यहाँ पे मैंने गाड़ी के अंदर का थोड़ा सा वीडियो बनाया था। हम लोग बैठे हुए थे और बस नज़ारे का जो है लुफ्त उठा रहे थे। यहाँ पे जो है हम लोग सुबह सुबह सो के बस ब्रश करके नहा के उठ के चले आए थे, इसलिए हालत हमारी बैंड पड़ी है। और यहाँ पे देखो किट्टू गुस्से में है, पता नहीं किस लिए गुस्सा थी मुझे याद नहीं है, पुरानी वीडियो हो चुकी है ना इसलिए मुझे याद नहीं है, बट किसी चीज़ से तो गुस्सा है उसका, मुंह देख के लग रहा है मुझे, फेस में ना उसके गुस्सा मतलब गुस्से वाला फेस है। अब बस थोड़ा बहुत रास्ते का व्यू है, उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे उज्जैन, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ओके और अब हम लोग ढाबे पे रुके थे कुछ खाने पीने के लिए। जिनको चाय पीनी थी उन्होंने चाय पी, मैं तो चाय नहीं पीती तो मैंने चाय नहीं पिया, मैंने साइड से कुछ फ्रूटी वगैरह पी थी और कुरकुरे चिप्स ये सब चीज़ें ले लिया था थोड़ा बहुत किट्टू के लिए। बाकी जिनको चाय पीना था वो चाय पी रहे थे यहाँ पे बैठ के। और फिर अब हम लोग निकल पड़े यहाँ से, देखो मम्मी बैठी हुई है। हाँ अब हम लोग निकल पड़े हैं और ये देखिए ग्रीन ग्रीन सा नज़ारा, मतलब पूरी हरियाली, जहाँ तक देखोगे आपको हरियाली नज़र आएगी, बहुत ही प्यारा नज़ारा था। आप दिन में जाओगे ना तो ये सफ़र का बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि आप सब कुछ देखते हुए जाते हो, नज़ारे का मज़ा लेते हुए जाते हो, बड़ा अच्छा लगता है। और रात में अगर आप सफ़र कर रहे हो तो आपको कोई मज़ा नहीं है, मतलब क्योंकि कुछ देखने को ही नहीं मिलता और डर भी लगता है ना हादसे वगैरह का, बहुत सारी चीज़ों का। दिन में मैं ठीक रहता है और फैमिली के साथ है तो और भी अच्छा लगता है, सब लोग साथ में बातचीत करते हुए जाते हैं। और मतलब कार में
इतना लंबा सफ़र पहली बार कर रहे हैं, उज्जैन में पहली बार जा रही हूँ। भाई तो जा चुका है 2-3 बार और बाकी मैं पहली बार जा रही हूँ। बाकी मुझे और किसी का नहीं पता कि कौन कितनी बार जा चुका है, मुझे मेरे घर का पता है, भाई का, और मम्मी भी पहली बार जा रही है शायद से, पापा जा चुके हैं, बाकी मम्मी पहली बार जा रही हैं और मैं पहली बार जा रही हूँ। तो यहाँ पे वो हॉस्पिटल था जो मैंने आपको दिखाया था, एक रेड रेड सा बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल दिख रहा था, और यहाँ पे किट्टू बैठी हुई थी। ब्रिज के पास से हम लोग जा रहे हैं और रास्ते का भी वो बहुत ही प्यारा था देखने में, तो अगर मैं फ्रंट कैमरे में मतलब फ्रंट सीट पे बैठती ना तो बहुत ही अच्छा वीडियो बनता, बहुत ही शानदार। तो यहाँ पे जो है फिर से टोल पे आ चुके हैं, ये देखो कॉरिडोर, और यहाँ से साइड से हम निकल गए। अब मैं क्या ही बात करूँगी यार, अब आप लोग नज़ारे का मज़ा लो, थोड़ा बस म्यूज़िक वगैरह ऐड करते हैं और फिर उज्जैन पहुँचते हैं। फिर वहाँ पे ज़्यादातर जो है ओरिजिनल वॉइस ही रखेंगे, क्योंकि जब महादेव के जयकारे लग रहे थे ना तो फिर उसके आगे फिर कुछ भी अच्छा नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ। जैसे ही आप उज्जैन में एंटर हुए थे ना, उसके बाद से आपको अलग ही फीलिंग आने लगी थी, भक्ति वाली, और ऐसा लग रहा था ना कि बिल्कुल हम महादेव के करीब है, महादेव हमारे आसपास है, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो उज्जैन नगरी हम पहुंच चुके हैं, और गाने चल रहे थे हमारे कार में, उज्जैन के भोले बाबा के गाने चल रहे थे, बड़े अच्छे लग रहे थे, महाकाल जी के गाने। और ये देखो हम लोग आ चुके हैं, एंटर हो चुके हैं, और ये मेन गेट, हाय रब्बा क्या ही तो मज़ा आ रहा था अंदर में, मतलब एक अलग ही सुकून था, मैं आपको अभी एक्सप्रेस नहीं कर सकती, वीडियो देख रही हूँ ना तो मुझे अलग ही उस टाइम की जो फीलिंग है ना थोड़ी थोड़ी सी महसूस हो रही है, और अभी इतना अच्छा लग रहा है। तो हम लोग बस उज्जैन में एंटर हो चुके हैं, और यहाँ पे यार अलग ही लगता है, आपकी देव स्थल पे आप जा चुके हो, मतलब वहाँ का नज़ारा, वहाँ के लोग, वहाँ का रहन सहन अलग ही पता चल जाता है कि हाँ आप बहुत अच्छी जगह आ चुके हो। तो वैसे ही फीलिंग हो रहा था उस समय, और हम दोबारा भी जाना चाहेंगे उज्जैन, बहुत मज़ा आया। और बस थोड़ा सा कुछ गलतियां हुई थी हमसे, मतलब हम लोग एकदम पास से महाकाल जी के दर्शन करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए थे, क्योंकि अब बताऊंगी आगे, अभी आप लोग वीडियो एंजॉय करिए। तेरे पीछे पीछे चलती हूँ, सीढ़ी नहीं दिख रही। जय श्री महाकाल। हारू जाओ पे टुटू अकेले। हाँ मम्मी, एक मिनट वीडियो बना देगी, भी नहीं एक मिनट पकड़ना ऐसे, बस मैं खड़ी हो जाऊंगा, ये साइड से एक दो फोटो भी खींच लें। वीडियो चालू है क्या? चालू? हाँ पढ़ पहले।
अब टीका लगाने की बारी थी, तो माथे पे सभी लोगों ने टीका बनवाया था, महाकाल का नाम लिखवाया था, और बस उसके बाद फिर हम लोग जो है उज्जैन मंदिर, महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए निकलेंगे। क्या मम्मी ये बीड़ी के बैग में रखा दे मेरा छोटा। हेलो, इसके दर्शन हो गए, वो साइड में खड़े रहे। घर लेंगे कहीं और चढ़ा देंगे, आए हैं तो कहीं ना कहीं नंबर मेरा दिल अब मैं चला रहा हूँ, लाइव चलाने जा रहा हूँ। नीरज अरे बी आर से दर्शन करने के लिए गाना गा रहे हैं।
है मेरे पीछे ही रहना भाई तुम्हें। यहाँ फिर लंबी लाइन अरे यार बहुत जूम कर रही हूँ जूम में और उधर ही रहना कुछ आठ वीडियो ने बाकी अभी अंदर चल गाइस हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और हाँ थोड़ा से करीब से दर्शन हो गया था, वहाँ का वीडियो मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि हम लोग कैमरा ऑफ करके और हम लोग फिर आगे चले गए थे क्योंकि वहाँ पे मोबाइल ना अलाउड नहीं था, मोबाइल बंद करवा रहे थे सभी लोगों का, तो मैंने थोड़ा बहुत जो वीडियो बना रहा था मैंने बनाया, उसके बाद फिर मैंने मोबाइल बंद कर दिया। तो ऐसा है कि हमने बिल्कुल उनके पास जाके उनको छूके तो हम लोगों ने प्रणाम नहीं किया, लेकिन हाँ दूर से हमने उनको देखा, दर्शन किया,
और पास का खास वहाँ पास लेके आप जा सकते थे और उनको जल चढ़ा सकते थे, ऐसा कुछ था, पता नहीं ऐसे कुछ कह रहे थे सब लोग। लेकिन हम लोग ना सब लोग अलग अलग हो गए थे, मतलब कुछ लोग आगे कुछ लोग बहुत आगे चले गए थे, इस वजह से जो है हम लोग साथ में दर्शन नहीं कर पाए। और अगर साथ में होते तो हम लोग पास में भी होते और चले गए होते, कोई वो नहीं है। क्योंकि जब हम दर्शन करने के लिए गए थे तो अगर वहाँ पे हमें थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके अगर हम पास में जाके उनके दर्शन कर सकते हैं तो बिल्कुल करते। लेकिन बस यही प्रॉब्लम हो गई थी कि सभी लोग जो है अलग अलग हो गए थे, जिस वजह से हम लोगों ने दर्शन किया था। ऐसा नहीं है, आप देखो उस स्थान पे जाना ही बहुत बड़ी बात था हमारे लिए, और दर्शन भी हो चुके थे बिल्कुल उनके करीब से, बिल्कुल उनको छू के तो दर्शन वैसे भी शायद ही हो पाता। और लेकिन ये था कि करीब से थोड़ा और उनको देखना था, पर ठीक है इस स्थान पे आ गई बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट टाइम महाकाल जी हमें दोबारा ज़रूर बुलाएंगे, और जब हम जाएंगे तो इस बार अच्छे से और अच्छे से दर्शन करके आएंगे। तो अभी जो है हम लोग बस अब यहाँ पे घूम रहे थे। यहाँ के बाद जो है हम लोग हर सिद्धि मंदिर गए थे, भैरव बाबा के मंदिर गए थे, तो सभी जगह गए थे। तो थोड़ा थोड़ा सा वीडियो ऐड है, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आजकल ना मंदिरों के अंदर वीडियोस वगैरह तो अलाउड होता नहीं है, तो वीडियो तो आप बना ही नहीं सकते। तो जितना जहाँ तक बना सकते थे वहाँ वहाँ का वीडियो मैंने बना लिया है। और नाइट में हम लोगों को यहाँ पे आना था, नाइट में देखना था सॉरी, क्योंकि नाइट में जो है लाइटिंग वगैरह का सिस्टम था, उसके बाद जो है बहुत ही अच्छा लगता है। और जहाँ पे मैं मंदिर के सामने जाके मुझे एक रील बनानी थी, बट वहाँ पे बैरियर लगा दिया था और सब लोगों को हटाए थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और हम लोग लेट भी आए थे, लेट पहुँचे थे हम लोग यहाँ पे। तो उस टाइम पे जो है सभी लोगों को वहाँ से हटा रहे थे, बैरियर लगा दिया था, सब लोग वहाँ जाके वीडियो बना रहे थे ना, जो मैन महाकाल का मंदिर उसके सामने जाके आप वीडियो बनाते हो, तो वहाँ पर उन्होंने बैरियर लगा दिया था, किसी को नहीं जाने दे रहे थे। तो मेरा तो यही था कि मैं वहाँ जाके रील बनाऊँगी महाकाल जी के सामने, वीडियो फ़ोटो जो भी हम लोग लेंगे, बट नहीं हो पाया था क्योंकि वहाँ पे जाने नहीं दे रहे थे। और नाइट में हम लोगों को रुकना था यहाँ पे, बट हम लोग आ गए थे क्योंकि कोई प्रॉब्लम या कोई रीज़न था जिसकी वजह से हम नाइट तक नहीं रुक पाए थे, जो कि मैं वीडियो में नहीं बता सकती। तो इस वजह से हम लोग फिर दर्शन दिन में दर्शन करके हम लोग वहाँ से निकल गए थे। भाई मैं पहले वो कर लूँ, यहीं से बना लूँगी। हेलो, चलो पानी का बोतल बोल रहा, ठंडे पानी का बोतल चल रहा है यार, तू पागल है। पानी की बोतल ले, ठंडे पानी की बोतल बोल रही है भैया, ले ये बिल्ली बोल रही है, मेरों की पानी बोतल ठंडा पानी बोल रही है, पानी बोतल बोल रहा, ठंडा पानी बोल रही है। कितना लाइन है आज
तो सामान बस तो गाइस दर्शन यहाँ पे हो चुके हैं मंदिरों के, जो भी वहाँ उज्जैन में मंदिर थे हम वहाँ के दर्शन करके और अब बस हम घर जा रहे हैं। रास्ते में ढाबे पर रुके थे थोड़ी देर के लिए, कुछ खाया पिया और फिर नाइट में ही हम लोग घर पहुँच गए थे और बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, और दोबारा ज़रूर जाना चाहेंगे। महाकाल का बुलावा आएगा तो ज़रूर जाएंगे और बहुत सारी यादें लेके जा रहे हैं वहाँ की, और महाकाल के दर्शन हो गए, बहुत ज़्यादा खुश थे। अब क्या ही बोले हम, बस अब घर के लिए निकल पड़े। और रात का व्यू है तो इतना ज़्यादा कोई खास है नहीं, तो इस वजह से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई है, बस थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है जहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह था। मेन सिटी जो है वहाँ पे है, ये थोड़ा बहुत हाईवे पे बनाया था बस, उसके बाद थोड़ा सा ढाबे पे। ये देखो ये ढाबा बीराज ढाबा, तो यहाँ पे हम लोग खाए पिए और फिर निकल पड़े। तो बस गाइस यही था आज का ब्लॉग, कैसा लगा जो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे मैं रील्स वगैरह अपलोड करती रहती हूँ, एक्टिव रहती हूँ वहाँ पर। यूट्यूब पर डेली ब्लॉग नहीं आते हैं, वहाँ पर जो है एक्टिव रहती हूँ, तो वहाँ पर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। और आई डी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंसन कर दी है, वहाँ से जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।